क्या ये काफी होगा? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा चुनौतियां झेल पाएगी? भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है और 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस तथ्य को वोट पाने के लिए भुनाना चाह रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में आई इस बढ़त से असल फायदा किसे होगा? इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भारत अपने पहले जैसे विकास को बनाए रख सकता है और ऐसा कर पाने में क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि ये कहानी अभी यूं ही जारी रहेगी। पर तरक्की की इस कहानी के बावजूद भारत नौकरियों का जबरदस्त संकट भी झेल रहा है। नौकरियों की बात करें तो वो अनुभवी लोगों को भी नहीं मिल रही। ऐसे में आगे का रास्ता क्या होगा? यहाँ वो मशीनें बनती हैं जो हमारी दुनिया बनाती हैं। श्विंग स्टेटर भारत में लगातार होते निर्माण का प्रतीक है। ये असल में जर्मन कंपनी थी, लेकिन अभी इसकी मालिक एक मल्टीनेशनल चीनी कंपनी है। ये निर्माण उद्योग की मशीनें बनाने में इंडस्ट्री में अगुआ है। असेंबलिंग हो जाए तो टेस्टिंग होती है और फिर इसे पेंटिंग के लिए ले जाया जाता है। कंपनी के मुताबिक फिलहाल श्विंग स्टेटर इंडिया की 5 फैक्ट्रियों में 2,700 लोग काम करते हैं और समय के साथ उनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल इस फैक्ट्री का पूरा इस्तेमाल होने लगा है और हम इसी जगह के पास एक और प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर हम और 50 एकड़ जमीन में निवेश कर रहे हैं। पिछले कई सालों से भारत की कुल जीडीपी में निर्माण उद्योग का हिस्सा करीब 10% है। इससे अर्थव्यवस्था में नई हाउसिंग सोसाइटियां, सड़कें और एयरपोर्ट जुड़े हैं। हमें निर्माण, बुनियादी ढांचे और यातायात की जरूरत है। हमें निश्चित तौर पर और ज्यादा ऊर्जा और कच्चा माल चाहिए, लेकिन सिर्फ ये चीजें काफी नहीं होंगी। हम जयति घोष की इस बात पर फिर लौटेंगे, लेकिन पहले एक बड़ा सवाल। भारत के विकास की कहानी असाधारण रही है। देश 7% की वृद्धि दर से बढ़ रहा है, लेकिन विश्व बैंक के भविष्य के लिए लगाए अनुमान में वृद्धि दर पुराने आंकड़ों से कम रहेगी। तो आर्थिक विकास के मामले में निर्माण उद्योग को लेकर समस्या क्या है? ज्यादातर निर्माण, खासकर बड़े स्तर का, बहुत ज्यादा रोजगार पैदा नहीं करता और इस सेक्टर में वास्तविक मजदूरी गिर रही है। मतलब गाना याद कीजिए, सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। बिल्कुल ऐसी ही बात जयति घोष कह रही हैं। उनका कहना है कि जितनी लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जा रही है। भारत सरकार ने हाईवे, ट्रेन नेटवर्क और एयरपोर्ट बनाने पर भारी खर्च किया है और इन्हीं पर विकास की गाड़ी दौड़ी है। जानकार भी मानते हैं कि इस पर सरकार को शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन एक दूसरे सेक्टर का हाल भी ले लें, जो पिछले वर्षों में बढ़ा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने वापसी होने पर इसे और बढ़ाने का वादा किया है। आईटी सेक्टर आने वाले वर्षों में तरक्की लाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे के केंद्र में है। यहाँ बेंगलुरु में SAP के कर्मचारी बिजनेस करने के तरीकों के भविष्य पर काम कर रहे हैं। इस वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्षमता बढ़ाते हुए शहर में ही एक नया कैंपस खोला है और इसके भारत में 15,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। लेकिन जबकि कंपनी को सर्वश्रेष्ठ रोजगारदाता के अवार्ड मिले हैं, इसके लिए अभी भी काम के कर्मचारी ढूंढना मुश्किल है। एक प्रोडक्ट कंपनी होने के नाते हमारे लिए जरूरी है कि हमारे योग्य कर्मचारी यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ कारोबार का कौशल भी लेकर आएं, और ऐसे कर्मचारियों का सीधे कॉलेज से मिलना कई बार चुनौती होती है। SAP की सबसे बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट यहाँ बेंगलुरु में लगी है। वे यूजर्स के साथ संवाद के नए तरीके विकसित करते हैं, ऐसे रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं जो भविष्य की आर्थिक तरक्की लेकर आए। लेकिन पूरे भारत की तस्वीर देखें तो इस मामले में पिछड़ापन दिखता है। अन्य देशों की तुलना में यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च GDP की तुलना में घटा है।
सरकार कहती है कि ऐसा जीडीपी में तेज बढ़त के चलते लगता है। कुछ कंपनियां आगे बढ़ने के लिए सरकार और विश्वविद्यालयों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन एक अजीब स्थिति बनी हुई है। सरकार टेक सेक्टर में तरक्की को प्रोत्साहन देती है, लेकिन टेक सेक्टर भारत में सभी के लिए तरक्की लेकर नहीं आता। खासकर ये उन युवाओं को नौकरी देने में नाकाम हो रहा है जो हर साल लाखों की संख्या में भारतीय विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट हो रहे हैं और ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरियां पाने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि IIT जैसे अहम भारतीय शिक्षा संस्थानों के स्टूडेंट भी इससे नहीं बच सके हैं। When it comes to नौकरियों की बात करें तो वो अनुभवी लोगों को भी नहीं मिल रही। सिक्योरिटी सबको चाहते हैं, किसी भी वो जॉब में हो जाए तो गवर्नमेंट जॉब तो सबको ही चाहते ही होंगे, इसी वजह है। प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी इतनी नहीं मिलती है। प्राइवेट जॉब आप करना ही नहीं चाहते? प्राइवेट नहीं करनी है मुझे, गवर्नमेंट ही करनी है। बट एनीवे वी डोंट हैव, हमारे पास नौकरी के बहुत विकल्प नहीं होते। जब तक कि आप दिन में 12-12 घंटे काम करने को तैयार ना हो, फिर भी मिनिमम सैलरी भी नहीं मिलती। कोई अजूबे की बात नहीं कि बहुत सारे युवाओं का नौकरियों से मोह भंग हो चुका है। इन आंकड़ों पर एक नजर डालें तो युवा भारतीय जितने ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हैं, उनमें बेरोजगारी उतनी ही ज्यादा है। ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि आप जितने कम शिक्षित होते हैं, आप पर काम करने का दबाव उतना ज्यादा होता है। लेकिन जो बात चौंकाने वाली है वो ये कि नए आंकड़ों के मुताबिक खासकर बेहतर शिक्षा पाए लोगों के लिए ये ट्रेंड बढ़ा ही है। 2022 में ग्रेजुएशन तक या उससे ज्यादा पढ़े 29% युवा ऐसे थे जो बेरोजगार थे। अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, लेकिन इससे सबके लिए समृद्धि नहीं आ रही। ये सिर्फ एक छोटे से समूह के लिए हो रहा है, लेकिन बाकी वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। वो एक तरह से फंसे हुए हैं। आर्थिक तरक्की लाने का एक और तरीका है जिससे सरकार को बहुत आशाएं हैं, विदेशों से आने वाला निवेश। श्रम कानूनों को कमजोर किए जाने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सीमा शुल्क लगाए जाने के बाद अमेरिकी ईवी निर्माता टेस्ला भारत में एक प्लांट लगाने की सोच रही है। एप्पल पहले ही लगातार भारत में उत्पादन बढ़ा रहा है। पिछले 20 वर्षों में भारत में विदेशों से बहुत ज्यादा निवेश आया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुल विदेशी निवेश में गिरावट आ रही है और जानकार मान रहे हैं कि ये गिरावट और बढ़ेगी। और सरकार अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने के मामले में भी धीमी रही है। हाल ही में बहुत से निवेशक अपने पैसे अमेरिका में निवेश करने लगे हैं, जिससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे में बाहरी निवेश भारत में उत्पादन को कैसे बढ़ावा देगा। अगर आप ये देखें कि निर्माण उद्योग ने समय के साथ पूरी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दिया है, तो आप देखते हैं कि पिछले वर्षों में इसकी तरक्की बाधित हुई या घटी है। ये बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से उलट है, जहां अर्थव्यवस्था में उत्पादन का हिस्सा तब बढ़ा जब कंपनियों ने चीन में अपनी फैक्ट्रियां बंद करनी शुरू की। इन चुनावों में आने वाली सरकार को और भी कई तरह की समस्याओं से निपटना होगा। कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था भले ही बढ़ रही हो, लेकिन ये तरक्की कई लोगों की जान भी खतरे में डाल सकती है, क्योंकि तरक्की के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। भारत फिलहाल दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। हालांकि अभी भी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के नजरिए से देखें तो देश लिस्ट में अभी बहुत नीचे है। निर्माण उद्योग से जुड़े उत्सर्जन की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अभी यहाँ निर्माण उद्योग और सीमेंट वगैरह बनाने के काम में आने वाली बिजली कोयले से बनती है। प्रदूषण निर्माण उद्योग के केंद्र में है। इस उद्योग के लिए उत्पादन करने वाली श्विंग स्टेटर कंपनी इस समस्या को स्वीकार करती है। शक्ति कुमार निर्माण वाली जगहों से होने वाले वायु प्रदूषण की निगरानी न होने की आलोचना करते हैं। ऐसी चीजें रोकने के लिए हमने कंक्रीट रिसाइकलिंग प्लांट जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जो कि बचे हुए कंक्रीट को इसके तत्वों में बदल सकते हैं और इसका इस्तेमाल निर्माण में हो सकता है। लेकिन एक और चुनौती है, जो कि हमें भारत में तरक्की के बाद भी गायब नौकरियों के बारे में बताती है। ये एक तथ्य है कि भारत में महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले कम ही रही है।
और जबकि अन्य देशों में ये आर्थिक तरक्की के साथ बेहतर हुई है, भारत के मामले में पिछले दो दशकों से ये गिरती ही जा रही है। देश की आधी आबादी जब लैंगिक भेदभाव के चलते लेबर फोर्स में शामिल न हो तो आप खुद ही अपनी जीडीपी को रोक रहे होते हैं। इसके लिए अब भी कुछ काम होना है और लगता है कि भारत अभी बढ़ता रहेगा, लेकिन इस तरक्की को सभी के लिए तरक्की में कैसे बदला जा सकता है? जो चीज बहुत तेज आर्थिक तरक्की को बढ़ावा दे सकती है वो ये है कि हमारे जैसे कारोबार, शैक्षणिक समुदाय और सरकारें साथ में मिलकर काम कर सकें, तो ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हमारे योग्य लोगों की हर तरह की नई स्किल, एआई के लिए जरूरी स्किल और बिजनेस स्किल में महारत हो। तो हमें छोटे और मझोले उद्योगों को मदद देने की जरूरत है, साथ ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में अधिक श्रम चाहने वाली गतिविधियों को बढ़ाना होगा। इसका रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन इसके लिए नाटकीय स्तर पर अलग ही तरह के सुधार करने होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तो तरक्की के रास्ते पर ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी निवेशकों में इसे लेकर आत्मविश्वास है और इसमें काफी पैसा बनने वाला है, लेकिन ये तरक्की शायद सिर्फ कुछ लोगों के लिए होगी। तो हर चीज से अर्थव्यवस्था में जो मूल्य वृद्धि हुई उसका एक बड़ा हिस्सा मुनाफे में जा रहा है और अपेक्षाकृत एक बहुत ही छोटा हिस्सा लोगों को सैलरी देने में जा रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भारत में रोजगार के हालात अभी खराब ही रहेंगे। अभी भी यहाँ करीब 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी सैलरी या तो बढ़ ही नहीं रही या पिछले वर्षों से कम हो रही है। तो भारत अपनी तरक्की बनाए रख सकता है, लेकिन संभवतः सभी को इस तरक्की का फल नहीं मिलेगा। ये रही भारत के विकास की संभावनाओं की बात। बताइए, आप इस कहानी में खुद को कहां पाते हैं? क्या आपको लगता है सब ऐसे ही चलता रहा तो ठीक रहेगा? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।